Hello, students. Today, our topic is networking, and in this lecture, we are going to discuss uh, some network protocols. In our last lecture, we already discussed some of the protocols related to internet protocols. Basically, protocols are divided into two basic categories: internet protocols and remote login or file transfer protocols. In which we already covered TCP/IP and SMTP protocols in our last lecture. So, first of all, uh, we take a quick revision of TCP/IP and SMTP. After that, we will discuss. POP, HTTP, and HTTPS protocols. So let's start. So what is protocols? Protocols are the basically the uh, set of guidelines governing the exchange of information is simple, dependent, and a very secure way. Or we can say that rules and regulations are basically called the protocols. So when the term network is attached with the protocols, it simply means that that rules, rules and regulations that are essential to deliver a content in a network is called the network protocols okay, so as far as the syllabus is concerned, basically two categories are there. internet protocols and remote login and file transfer protocols. internet protocols contain tcp, ip, smtp, pop3, http and https. These, the, these are the internet protocols. so tcp, ip is transmission control protocol and internet protocol. basically these are two different protocols but are attached with each the, in, a, in such a way that without um, combining these two protocols, uh, task is not completed so uh, whenever we use uh, tcp ip we use uh, both of them at the same time because uh, uh, without each other they are incomplete so let us start with tcp ip so let us take a quick revision tcp stands for transmission control protocol or we can say that internet protocol and tcp ip is a set of standardized rules that allows computer to communicate on a network such as the internet आई पी इज द पार्ट आई पी इज द पार्ट दैट ओपनिंग द एड्रेस टू विच द डेटा इज सेंड एंड टी सी पी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डॉ फॉर डेटा डिलीवर वंस दैट आई पी एड्रेस बीन फाउंड दे आर डिफरेंट फॉम वन एदर बट दे आर ऑल्सो मीनिंगस विद आउट वन एनेदम तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा टी सी पी आई पी के बारे में टी सी पी आई पी दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं लेकिन ये दोनों कंबाइंडली हम इनको uh, लिखते हैं यूज करते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि टी सी पी दोनों एक साथ ही यूज़ होती हैं ऑलमोस्ट इसलिए एक साथ ही इसको लिखा भी जाता है जहाँ आई का काम ये होता है कि डेटा ट्रांसमिशन में इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस फाइंड आउट करने का काम होता है कि जहाँ डेटा को डिलीवर करना है उस एड्रेस को फाइंड आउट करने का काम आईपी प्रोटोकॉल का होता है वहीं टीसीपी का, का काम जब आईपी एड्रेस फाइंड आउट हो जाए इसका मतलब ये कि जब डेस्टिनेशन एड्रेस का पता चल जाएगा तो फिर वहाँ पर डेटा डिलीवरी का, का काम टीसीपी करेगा इसलिए इसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं मतलब डेटा का ट्रांसमिशन ही कंट्रोल करता है ये ऐसी प्रोटोकॉल है ठीक है और आईपी बेसिकली डेस्टिनेशन का एड्रेस फाइंड आउट करेगा कि कहाँ डेटा को भेजना है एक बार ये क्लियर हो जाएगा आ, ये फाइंड आउट हो जाएगा कि डेटा को किस एड्रेस पर डिलीवर करना है देन आफ्टर टीसीपी आईपी टी टीसीपी का वर्क स्टार्ट हो जाता है इसलिए मैंने कहा भी था पहले आपको कि टी सी -पी -पी में बेसिकली जो आपका आई है वो डेस्टिनेशन का एड्रेस फाइंड आउट करेगा टी सी पी आफ्टर फाइंड आउट फाइंडिंग आउट द डेस्टिनेशन एड्रेस ये फिर टी के थ्रू डेटा डिलीवर होना स्टार्ट हो जाता है तो ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं बहुत ही सिंक्रोनाइज वे में काम करते हैं तो इसके लिए इसे टी सी को इस तरीके से लिखाया था टी सी स्लैश आई और एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा ये तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुल फॉर्म याद रखनी है आपकी दूसरा ये याद रखना है कि दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं पर एक साथ ही काम करती हैं क्योंकि एक दूसरे से काफ़ी हद तक अटैच्ड है ठीक है टी सी का काम जहाँ तक इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम आई का काम जहाँ तक है एड्रेस को फाइंड आउट करना होता है एड्रेस का डेस्टिनेशन का और टी सी का, का काम उसके बाद ट्रांसमिशन uh, करना होता है डेटा uh, को तो इसलिए इसे टी सी आई पी बोलते हैं आई थिंक अभी ये क्लियर हो गया होगा आपको चलिए नेक्स्ट लाइज देखते हैं टी सी पी आई पी टीसीपीआईपी सी पी लॉट्स ऑफ एम्फेसिस ऑन एक्यूरेसी एंड इट हैज़ सेवरल स्टेप्स टू इंश्योर दैट डेटा इज करेक्टली ट्रांसमिटेड बिटवीन टू कंप्यूटर्स तो जो टीसीपीआईपी है उसका फोकस इस बात पर रहता है कि एक्यूरेसी पर रहता है कि डेटा सही तरीके से डिलीवर हो जाए एक्यूरेट वे में डिलीवर हो जाए जब दो कंप्यूटर के बीच में डेटा को ट्रांसफर किया जाए और इसमें uh, कोशिश यही होती है कि जो होल मैसेज है उसको सिंगल टाइम में एक बार में ट्रांसफर हो जाए लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता मैसेज बड़ा है तो मैसेज को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ये पार्ट्स आपके पैकेट्स कहलाते हैं तो मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर इस पैकेज को ट्रांसमिट किया जाता है टी के थ्रू तो डेस्टिनेशन एड्रेस पर ये पैकेट को फिर रीअसेंबल किया जाता है और फिर वो मैसेज की मैसेज की फॉर्म में वापस ये ऑप्टेन कर लिया जाता है तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैसेज बड़ा है तो और एक बार में अगर ट्रांसमिट ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है साइज बड़ा है फाइल का तो देन फाइल इज डिडेन इनटू डिफरेंट पार्ट्स दैट इज कॉल्ड द पैकेट्स एंड पैकेट्स इज अगेन रीअसेंबल एट द अदर एंड कॉल्ड द डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन के एंड पर फिर ये पैकेट्स फिर से रीअसेंबल किए जाते हैं ठीक ये सेकेंड पॉइंट है और ऐसा अगर कभी होता है कि जो रूट है जिसके थ्रू भेजा जा रहा है आपका डेटा भेजा जा रहा है वो अन है कंजेस्टेड है एंड दैट किट ऑल्सो टी सी पी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही रूट uh, को फाइंड आउट करें और डेटा को प्रॉपर वे में सेंड करें ठीक है uh, ये सेकेंड पॉइंट था अभी जो मैंने डिस्कस किया आपके सामने मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इफ द सिस्टम वॉट सेंड द होल मैसेज इन वन पीस एंड इफ

को फॉलो कर सकते हैं ये इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि अगर कोई रूट अन है कंजस्टेड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैसेज अगर पीस में पीसेज में डिवाइडेड हो गया जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं तो पैकेट सेम रूट को फॉलो करेंगे किसी भी कंडीशन में अगर ऐसा होता है कि वो रूट अन है या कंजस्टेड है तो पैकेट्स डिफरेंट रूट्स को फॉलो कर सकते हैं तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात रहती है इसके अंदर नेक्स्ट इज TCP/IP पी आई पी डिड द डिफरेंट कम्युनिकेशन टास्क इनटू लेयर्स इन ईच लेयर्स एस डिफरेंट फंक्शंस तो टी सी पी जो प्रोटोकॉल है उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं और सभी लेयर्स का एक प्री डिफाइंड टास्क होता है जिसको वो परफॉर्म करती हैं और सभी लेयर्स आप उसमें कनेक्टेड होती हैं एक ऑर्डर होता है एक सीक्वेंस भी होता है ठीक है और उसके थ्रू डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं टी सी पी के तो हम ये कह सकते हैं कि जो टी सी पी जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके डिफरेंट को हम डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं तो डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करती हैं और ऑल दीज लेयर्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर टू परफॉर्म द टास्क ऑफ द टी सी पी आई पी ओके तो वो लेयर्स कौन कौन सी हैं ये हमको याद भी रखना होगा समझना भी होगा डेटा गोज थ्रू द फोर इंडिविजुअल लेयर्स बिफोर इट इज रिसीव ऑन द अदर एंड टी सी पी आई पी दैन गोज थ्रू दीज लेयर्स इन रिवर्स ऑर्डर टू रिसम्बल द डेटा एंड टू प्रजेंट टू द रिसीवर देखिए इसमें अब दो पार्टीज इन्वॉल्व है एक है सेंडर और एक है रिसीवर तो सेंडर uh, और रिसीवर के एंड पर दोनों पर ये फोर लेयर्स होंगी लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि uh, जो डेटा रिसीविंग का ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाएगा डेटा का ऑर्डर चेंज हो जाएगा मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कैसे ये देखिए ये डायग्राम है टी सी पी का ओके okay? और इसमें हम देख रहे हैं एक क्लाइंट है एक सर्वर है क्लाइंट से सर्वर को डेटा सेंड किया गया तो सबसे पहले एप्लीकेशन लिया के थ्रू डेटा जाएगा यूज़र हमेशा एप्लीकेशन लेयर के थ्रू इंटरेक्ट करता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर देन आफ्टर नेटवर्क लेयर एंड देन डेटा लिंक लेयर और जब रिसीव होगा सर्वर एंड पर तो वो डेटा लिंक लेयर के थ्रू पहले रिसीव होगा देन आफ्टर ट्रांस नेटवर्क लेयर को वो ट्रांसफर होगा डेटा देन आफ्टर ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एट लास्ट एप्लीकेशन लेयर तो ये आपने ये देखा कि ये जो ऑर्डर है ये जस्ट चेंज हो गया यहाँ ऑर्डर देखिए और यहाँ ऑर्डर देखिए ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग चलिए आगे देखते हैं अब फोर लेयर्स की बात कर लेते हैं अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आपके लिए लिखने के लिए और मोर देन टू मार्क्स में आता है इफ़ ऐसा होता है कि अगर ये मोर देन फोर मार्क्स में इफ़ दैट क्वेश्चन इज मोर देन ऑफ फोर मार्क्स तो आपको ये लेयर्स लिखने की ज़रूरत है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देना भी पड़ेगा आपको लेकिन अगर ऐसा नहीं है ये वन मार्क्स या टू मार्क्स का क्वेश्चन आता है टी जी वगैरह में पूछा जाता है तो आई थिंक फुल फॉर्म डेफिनेशन एंड इट्स फंक्शनलिटी आप लिख दीजिए वो सफिशेंट रहेगा उतना ठीक है फुल फॉर्म आ, हमेशा जब भी प्रोटोकॉल लिखना है आपको तो याद रखिएगा फुल फॉर्म आपको याद रखना है उसका फुल फॉर्म हमेशा लिखनी है एक और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव और उसका जो भी वो टास्क है वो परफॉर्म करते हैं उसके बारे में लिखना है और मे बी ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एग्जाम में सिर्फ उसकी फुल फॉर्म ही आए तो ये याद रखना है आपको ठीक है चलिए बात करते हैं लेयर्स के बारे में फर्स्ट लेयर इज डेटा लिंक लेयर सो द डेटा लिंक लेयर इज ऑल्सो कॉल द लिंक लेयर द नेटवर्क इंटरफ़ेस लेयर और द फिजिकल लेयर जैसे इसका नाम है फिजिकल लेयर इसको इसको हम नेटवर्क इंटरफ़ेस लेयर भी बोलते हैं ये फिजिकल पार्ट्स को हैंडल करती है नेक्स्ट इज फिज़िकल पार्ट जैसे इथरनेट uh, केबल है या फिर आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जैसे एन बोलते हैं तो ये फिजिकल पार्ट्स को हैंडल करती है आपको डेटा लिंक लियर इंटरनेट लेयर आपका सेकेंड पार्ट है तो इंटरनेट लेयर का, का काम है इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ पैकेट्स अराउंड द नेटवर्क तो जो पैकेट्स का मूवमेंट है नेटवर्क अराउंड किस रूट से वो जा रहे हैं रिसीव हो रहे हैं सेंड हो रहे हैं इन सब का टोटल मूवमेंट आपका इंटरनेट लेयर का होता है कंट्रोल करने का, का काम इंटरनेट लेयर का होता है नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर द ट्रांसपोर्ट इज अ इज वॉट प्रोवाइड द रिलायबल डेटा कनेक्शन बिटवीन द टू डिवाइसेज तो दोनों डिवाइस के बीच में जो डेटा कनेक्शन प्रोवाइड कराने का काम होता है वो ट्रांसमिट लेयर का होता है रिलायबल डेटा कनेक्शन होता है इट मींस कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा जब तक डेटा सेंड ना हो जाए आपका लास्ट आता है एप्लीकेशन लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका यही है एप्लीकेशन लिएके नेक्स्ट इज एप्लीकेशन लिए एप्लीकेशन लिएज अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन दैट रिक्वायर नेटवर्क कम्युनिकेशन दिस इज वट द यूजर टिपिकली इंटेक्ट विद्स सच एज ई मेल एंड मैसेजिंग बिकॉज द लोअर लेर्यस हैंडल द डिटेल ऑफ द कम्युनिकेशन द एप्लीकेंट डीड टू कंसर्न दमसेल्व विद दिस जो आप, तो जो एप्लीकेंट्स होते हैं जो, जो यूज़र होते हैं इसके थ्रू इंटेक्ट करते हैं एप्लीकेशन लेर के थ्रू इंटेक्ट करते हैं आपका जब डेटा सेंड करना होगा तो आपका जो इंटेक्शन होगा सिर्फ एप्लीकेशन लेर के थ्रू होगा तो ये एप्लीकेशन लेर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराते हैं आपके तो इसके ये जो भी यूजर को ई मेल भेजना है या मैसेज भेजना है ठीक है तो वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही इंट्रैक्ट करते हैं और ये सेंड कर पाते हैं चलिए ये डायग्राम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका था कुछ बातें बतानी थी आपको जो इसे इंटरलेट करते हैं इसलिए थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताना पड़ा मुझे यहाँ पर अब एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं देखिए अब जी जो भी आपके आईपी प्रोटोकॉल्स हैं वो मैक्सम uh, आपकी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स की कैटेगरी में आती हैं। जैसे है जैसे डी एन एस है हाइपर टेक्स ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है सिंपल मिल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोकॉल्स है तो ये सभी आपका एप्लीकेशन लेयर पर ही काम करती हैं ठीक है टी सी पी आई पी एक बेसिकली एक मॉडल है आपका ठीक है ये नेटवर्क में इंटरनेट किस तरीके से डेटा सेंड किया जाता है एंड दैट मॉडल इज कंटेन बेसिकली डिफरेंट लेयर्स ऑन एवरी लेयर एज पर्टिकुलर देयर हम कह सकते हैं कि उसका एक दे प्री डिफाइंड टास्क उसका एक पहले से प्री डिफाइंड टास्क होता है एंड दे परफॉर्म और उसके बाद वो उसको परफॉर्म करती हैं उसी के अकॉर्डिंग तो ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस एम टी पी से तो ये याद रखिएगा कि ये सभी जितनी प्रोटोकॉल्स हैं जैसे आप देख पा रहे हैं एस एम टी पी हो गया तो ये सभी एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही काम करती हैं तो एस एम टी पी सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा एस एम टी पी होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जैसे नाम आगे इसके अंदर आपका आ गया मेल आ गया इट मीनस इट इज रिलेटेड टू समथिंग लाइक दैट ई तो आप उनको सही समझ रहे हैं ईमेल से रिलेटेड है तो जो भी हम ईमेल भेजते हैं ठीक है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है जो प्रोटोकॉल्स रेस्पॉन्सिबल होती है उसको सही डेस्टिनेशन तक डिलीवर करने के लिए रिलायबल वे में डिलीवर करने के लिए एक्रेट वे में डिलीवर करने के लिए वो एस है इसलिए से बोला जाता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तो इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा कि मेल की डिलीवरी का जो रेस्पॉन्सिबल है जो आपकी प्रोटोकॉल है वो एस एम टी पी एम डैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेकेंड ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है ये तो अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ और थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया इट इज़ यूज फॉर सेंडिंग द ई मेल एफिशेंटली एंड रिलायबली ओवर द इंटरनेट तो किसी भी मेल को एफिशेंटली और रिलायबल वे में इंटरनेट पर भेजने के लिए ये आपकी प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल है आपकी Um, अभी देख ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में एस के बारे में सब कुछ बता रखा है गवर्नमेंट मार्क का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं दैट इज मोर देन सफिशियंट एस एम टी फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड इट इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन गाइडलाइन दैट अलाउस सॉफ्टवेयर टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रॉनिक मेल ओवर द इंटरनेट इन इज कॉल द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड इट इज अ प्रोग्राम यूज फॉर सेंडिंग मैसेज टू द अर कंप्यूटर यूजर बेस्ड ऑन द ई मेल तो जब मेल uh, सेंड किया जाता है तो सेंडर का और रिसीवर का दोनों का एक ई एड्रेस होता है तो एस की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एस का ये काम होता है आपका कि ये सेंडर से डेस्टिनेशन के ईमेल एड्रेस पर प्रॉपर वे में रिलायबल वे में ई मेल को सेंड कर सकें और सही डेस्टिनेशन पर आपका जो भी डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया गया है जहाँ भी मेल सेंड किया गया है वहाँ सही तरीके से, से ट्रांसफ़र कर दे तो ये इसमें ये सब कम्युनिकेशन की ये सब गाइडलाइन होती है कि किस तरीके से मेल ट्रांसफर होगा दैट इज़ द होल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस एम टी टी पी तो ये एस एम टी पी की रेस्पॉसिबिलिटी होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेल को किस तरीके से डिलीवर किया जाए ओके okay. ये डायग्राम है इसका अगर ये मार्क क्वेश्चन मोर देन टू मार्क्स में आता है तो आपको डायग्राम भी मैंशन करना है इसका ये समझ लीजिएगा इसमें आ, तो ये सेंडर है आपका ठीक है ये रिसीवर है ये तो हमेशा आ, सभी प्रोट ये तो इसका पार्ट है असेंशियल पार्ट है कि किस तरीके से डेटा सेंड होता है तो सेंडर जब डेटा सेंड करेगा एस एम टी पी के थ्रू तो सेंडर मेल सर्वर पर जाएगा सेंडर मेल सर्वर पर इंटरनेट के थ्रू वो फिर रिसीवर मेल सर्वर पर पहुंचेगा ठीक है देख पा रहे होंगे आप और एक बार रिसीवर मेल मेले सर्वप्रोव डेटा आपका पहुँच गया मेल पहुँच गया आपका तो फिर वहाँ से रिसीवर के पास ये जो सेंड होगा इसके लिए दो प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल होती हैं या दो प्रोटोकॉल का एक काम होता है बेसिकली टू प्रोटोकॉल्स आर इन्वॉल्व इन दैट केस डीजा पी ओ पी थ्री और आई एम ए पी ठीक है पी ओ पी थ्री और आई एम ए पी तो दोनों का लगभग एक जैसा ही काम होता है कुछ डिफरेंसेस हैं हालांकि दोनों में अब पी ओ पी थ्री पी ओ पी थ्री सिलेबस में मैंशन है तो आएगा एग्ज़ाम में आई एम ए पी नहीं दे रखा है लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए आई एम ए पी क्या है एटलीस्ट फुल फॉर्म और इसकी एक लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशन तो चलिए इसको भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन पर अभी यहाँ पर हमारा मेन फोकस एस एम टी पी पर है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर है तो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं टू और इंपॉर्टेंट थिंग्स बता दिया फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स अब जैसे इसके अंदर वर्ड आ रहा है मेल तो इससे आपको ये इस तरीके से आपको याद रखना है कि दैट प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल और द रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबल डिलीवरी ऑफ ई मेल द इंटरनेट ठीक है तो इंटरनेट पर रिलायबल वे में ई मेल की डिलीवरी करना इसका काम होता है एस एम टी पी का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम होता है बाकी तो यही पॉइंट्स हैं तो इतना आप लिख देंगे एग्जाम में और अगर ये डायग्राम मैंशन कर देंगे तो आई थिंक इट इज मोर देन सफिशेंट वो फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इस केस में डायग्राम देखिए डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन आप जितना ज़्यादा देंगे चाहे प्रोटोकॉल्स के केस में क्यों ना हो ठीक है अभी जैसे पिछला केस था उसमें भी हमने टी सी पी आई पी का डायग्राम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखा जहाँ डिफरेंट लेयर्स थी और सेंडर और रिसीवर के थ्रू डेटा सेंड किया जा रहा था इस तरीके से एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा ट्रांसफर हो रहा था तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देंगे तो आपके लिए सही रहेगा और एक अच्छा इम्पैक्ट होता है तो डायग्राम को जरूर याद कीजिए डेफिनेशन फुल फॉर्म फुल फॉर्म फर्स्ट दैन डेफिनेशन एंड दे डायग्राम ये थ्री पॉइंट्स अगर आप एग्जाम में लेके आएंगे आएँगे दैन आपको उसके रिगार्डिंग सही मार्क्स मिल जाएंगे आपको मार्क्स कट नहीं होंगे एटलीस्ट कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एस एम टी पी से पुष्प प्रोटोकॉल सेकेंड इज एस एम टी पी यूज टी सी पी एट ट्रांसपोर्ट लेयर एस एम टी पी यूज पोर्ट नंबर ट्वेंटी फाइव ये पोर्ट नंबर याद रख लीजिएगा सभी जो प्रोटोकॉल्स होती हैं कौन से पोर्ट नंबर का यूज़ करती हैं वो हमको पता होना चाहिए एस एम टी पी यूज़ परसिस्टेंट टी सी पी कनेक्शन सो इट कैन बी मल्टीपल ई मेल्स एडवान्स तो हम इसमें जो टी सी पी कनेक्शन होता है वो परसिस्टेंस होता है परसिस्टेंट होता है और एक बार में हम एक से ज़्यादा मेल भेज है सकते हैं ठीक है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए तो उसके बाद ही मेल ट्रांसफ़र किया जा सकता है स्टेटलेशस प्रोटोकॉल होता है इसमें कोई स्टेट नहीं होती कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डेटा ट्रांसफर होगा ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर ठीक है डेटा एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद डेटा आप सेंडर से डेस्टिनेशन तो को डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इनको भी अगर एग्जाम में ये मोर देन टू मार्क्स का आता है तो करेक्ट्रिस्टिक्स भी लिखना होगा आपको चलिए ये लास्ट लेक्चर के बारे में था अब तक अब तक का अब थोड़ा आगे पर देखते हैं पी तो अभी जैसे मैंने बताया पी जब रिसीवर एंड रिसीवर सर्वर पर आप जब डेटा सेंड हो जाएगा तो रिसीवर सर्वर uh, पर डेटा वहाँ से हमको आपका डेस्टिनेशन तक उसके डेटा पहुंचाना है तो फिर उसके लिए हमने देखा था भी डायग्राम के अंदर मैं दिखा देता हूँ डायग्राम आपको यहाँ ये देखिए पी ओ पी थ्री लिखा हुआ था लेकिन ये तो पी ओ पी है तो ये पी ओ पी और पी ओ पी थ्री क्या दो डिफरेंट बातें हैं क्या दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली पी ओ पी थ्री आपका एक वर्ज़न है पी ओ पी का ठीक है अलग प्रोटोकॉल नहीं है और पी ओ पी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल तो पहले तो फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा पी ओ पी स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड इट इज़ जनरली यूज टू सपोर्ट अ सिंगल क्लाइंट तो रिसीवर एंड पर अगर आपका डेटा पहुंच गया वहां से जो पर्टिकुलर किसी एक क्लाइंट पर ही डेटा जाएगा ई मेल तो एक ही क्लाइंट पर जाएगा एक ही का डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा हुआ होगा तो वहां जो जाएगा उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबिल होगी वो पी ओ पी होगी एंड दीज आर सेवरल वर्जन ऑफ पी ओ पी पर द पी ओ पी थ्री इज़ द करंट स्टैंडर्ड अब पी ओ पी के डिफरेंट वर्जन है लेकिन पी ओ पी थ्री का जो करंट स्टैंडर्ड है वो पी ओ पी पी ओ पी का जो करंट स्टैंडर्ड है वो पी ओ पी थ्री है तो पी ओ पी थ्री का एक वर्जन है पी ओ पी का तो उसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है तो टू पॉइंट्स हैं यहाँ पर पहला तो ये कि पी ओ पी की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड पी ओ पी इज द करंट स्टैंडर्ड ऑफ पी ओ पी ठीक और सेकेंड पॉइंट है इट इज़ जनरली यूज टू सपोर्ट ए सिंगल क्लाइंट तो एक सिंगल क्लाइंट को जनरली सपोर्ट करता है ठीक है एक डेस्टिनेशन पर एड्रेस भेजने के लिए इसको ज़रूरत पड़ती है पीओपी की एक बार रिसीवर सर्वर uh, पर डेटा पहुंचने के बाद आपको ईमेल ईमेल को आगे अगर आपको सेंड करना है पर्टिकुलर एक एड्रेस पर तो उसके उसके लिए हमें पीओपी की रिक्वायरमेंट होगी कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं इसके पी ओ एन एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको कि अभी जितनी भी प्रोटोकॉल आएंगी ये एप्लीकेशन लेयर पर ही वर्क करती हैं ठीक है सेकेंड है सेंस पी ओ पी सपोर्ट ऑफलाइन एक्सेस टू द मैसेज दस रिक्वाइड लेस इंटरनेट यूज टाइम तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो पी ओ पी है वो मैसेज का ऑफलाइन एक्सेस को सपोर्ट करती है ऑफलाइन का मतलब अगर आप ऑनलाइन नहीं भी हैं तब भी पी ओ पी के थ्रू ये आपको डेटा सेंड कर दिया जाता है पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन पर तो इसमें इंटरनेट की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती पी ओ पी डज नॉट अलाव सर्च फैसिलिटी पी ओ पी के थ्रू सर्च फैसिलिटी अलाव नहीं होती इन ऑर्डर टू एक्सेस द मैसेज इट इज़ नेसेसरी टू डाउनलोड दैम मैसेज को एक्सेस करने के लिए आपको मैसेज को डाउनलोड करना पड़ेगा एंड इट अलाउज़ ऑनली वन मेल बॉक्स टू बी क्रिएटेड ऑन सर्वर और ये अलाउ करता है जैसे ऊपर भी लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ इट इज़ जनरली यूज टू सपोर्ट ए सिंगल क्लाइंट सिंगल क्लाइंट को सपोर्ट करता है इट इट मीन्स ये भी है कि ये सिर्फ एल मे, एक मेल बॉक्स होगा सर्वर पर क्रिएट होगा जहाँ इसको मैसेज को डिलीवर करना होगा ठीक है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एक्सेसिंग नॉन मेल डेटा ये उस तरह के डेटा को सपोर्ट नहीं करेगा जो मेल के थ्रू ईमेल के थ्रू भेजा नहीं गया है तो दो तीन बातें हैं इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स तो काफ़ी लिखे हुए हैं पहला तो ये कि इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंड इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ये आपकी ठीक है और ये ऑफलाइन मैसेज को सपोर्ट करती है और ये सिर्फ ई को सपोर्ट करती है बाकी और किसी तरह के डेटा के सेंड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है और मैसेज को एक्सेस करने के लिए इसको डाउनलोड करना ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपका सर्वर पर एक मेल बॉक्स क्रिएट कर देती है जहाँ उसको डेटा को सेंड करना होता है तो ये पी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अब बात करते हैं आई एम ए पी के बारे में तो अगर एग्ज़ाम में पी ओ पी लिखने को आता है तो आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ काफ़ी पॉइंट्स हैं और इसमें से अगर आप फोर या फोर फाइव पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म लिखनी होगी एग्ज़ाम में दैट पी ओ पी स्टैंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और उसके साथ अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं हालाँकि ये डायग्राम एस एम टी पी की वर्किंग का है लेकिन पी ओ पी थ्री इन्वॉल्व है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं इसको ठीक है दूसरा यह है कि आपको इसके वर्जन के बारे में लिखना पड़ेगा पी ओ पी थ्री के बारे में बताना पड़ेगा तो पी ओ पी थ्री से करंट स्टैंडर्ड ऑफ पी ओ पी और पी ओ पी के स्टैंड डिफरेंट वर्जन है ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका नेक्स्ट आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा ये एप्लीकेशन लेयर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लिखना होगा आपको एग्ज़ाम में और उसके बाद आपको ये लिखना होगा ये ऑफलाइन एक्सेस मैसेज के ऑफलाइन एक्सेस को सपोर्ट करती है और इसमें इंटरनेट की यूज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती ओके दैट इज़ अ फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट अलाउज़ ओनली वन मेल बॉक्स टू बी क्रिएटेड ऑन द सर्वर ठीक है और लास्ट पॉइंट है इट इज़ सुबल फॉर एक्सेसिंग नॉन मिलेटर तो ये जो फाइव सिक्स पॉइंट्स हैं ये आपको लिखने होंगे लिखने तो अगर आप सभी याद कर सकते हैं एग्जैक्ट तो मॉडल में लिख सकते हैं लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे फुल फॉर्म लिखनी है उसकी पी ओ थ्री के बारे में बताना है कि स्टैंडर्ड वर्जन है इसका करंट स्टैंडर्ड है ठीक है इंटरनेट एक्सेस प्रोटोकॉल है इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ये ये ऑफलाइन सपोर्ट करता है मैसेज को और ये मेल बॉक्स क्रिएट कर देता है एक सर्वर पर एक और ये नॉन मेल एक्सेस डेटा नॉन मेल डेटा को सपोर्टिंग करता है ये ओ पी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बाकी और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है लेकिन इन पॉइंट्स को तो लिखना है ही आपको एग्जाम में अगर पी के बारे में पूछा जाता है तो और जो डायग्राम मैंने बताया एस एम टी वी में जो डायग्राम था उसको फुल बना सकते हैं क्योंकि वो पी ओ पी की फंक्शनलिटी को भी एक्सप्लेन कर रहा है एक लेवल तक आगे देखते हैं आई एम ए पी नेक्स्ट है आई एम ए पी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुल फॉर्म ही लिखनी होती है हमको और कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ भी ली जाती है फुल फॉर्म है आई एम ए पी की इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और इसको प्रपोज किया था 1986 में ठीक है इसके कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ मैं आपको फर्स्ट की पॉइंट्स है आई एम ए अलाउज द क्लाइंट प्रोग्राम टू बी मैनिकुलेट द ई मेल मैसेज ऑन द सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग दैम ऑन द लोकल कंप्यूटर तो इसमें मैसेज को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती आई एम ए के थ्रू ठीक है जैसे पी ओ पी में पड़ती थी तो पी ओ पी में इसमें ये डिफरेंस है लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू एक्सेस द मैसेज इट इज़ नेसेसरी टू डाउनलोड दैम पी ओ पी में लिखा हुआ है ये देखिए पॉइंट तो कभी अगर एग्जाम में पूछा जाता है वैसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में कि जहाँ तक सिलेबस की बात है तो सिलेबस में आई नहीं दे रखा है लेकिन पता होना चाहिए आपको तो थोड़ा बहुत तो थो आइडिया होना चाहिए आपको तो यहाँ पीओपी में जहाँ मैसेज को डाउनलोड करना पड़ता था एक्सेस करने के लिए आई में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं तो आई की फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल नाइनटीन में इसको प्रपोज किया गया ठीक है तो इसमें सर्वर से डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती लोकल कंप्यूटर पर एक्सेस करने के लिए मैसेज को द ई मेल इज़ होल्ड एंड मैंटेन वाई द रिमोट सर्वर तो रिमोट सर्वर पर इसको ई मेल को मैंटेन किया जाता है ठीक है वज की पी ओ पी में आपको उसे डाउनलोड करना पड़ता था मैसेज को इट इनेबल्स एस टू टेक एनी एक्शन सच इज डाउनलोडिंग डिलट द मेल विदाउट रीडिंग द मेल इट इनेबलिएट मैनिपुलेट एंड डिलीट रिमोट मैसेज फोल्डर कॉल द मेल बॉक्सिस जैसा लिखा भी हुआ है ये क्या काम करता है आपका इसके थ्रू हम डाउनलोड कर सकते हैं मैसेज को डिलीट कर सकते हैं अगर हम मैसेज को बिना पढ़े भी डिलीट करना चाह रहे हैं विदाउट रीडिंग द मैसेज तो हम आसानी से मेल को डिलीट कर सकते हैं ठीक है ये क्रिएट करना मैनिपुलेट करना या डिलीट करना मैसेज को सपोर्ट करता है मेल बॉक्सेज के अंदर यह सबसे इसका इंपॉर्टेंट काम है नेक्स्ट है आई एम पी नेवल्स द यूज़र टू सर्च द ई मेल तो हम ई मेल को सर्च भी कर सकते हैं आई एम पी के थ्रू और लास्ट पॉइंट है इट अलाउज़ कंकरेंट एक्सेस टू मल्टीपल मेल बॉक्सेज और मल्टीपल मेल सर्वर्स तो ये कंकरेंट एक्सेस को सपोर्ट करता है जो पी नहीं करता ठीक है इट अलाउज ये डिफरेंस है दो डिफरेंस है इट अलाउज कंकरेंट एक्सेस टू मल्टीपल मेल बॉक्सिस मल्टीपल मेल सर्वर्स यहाँ तक पी ओ पी की और इसकी बात है देखिए पी ओ पी में देखिए पॉइंट लिखा हुआ है ये लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट देखिए इट अलाउज ऑनली वन मेल बॉक्स टू बी क्रिएटेड ऑन सर्वर तो यहाँ एक मेल बॉक्स बनता है सर्वर पर जबकि आई में भी पी ऐसा नहीं है ये कंकरेंट एक्सेस कटता है मल्टीपल मील बॉक्सेस में तो ये डिफरेंस है एक तो ये डिफरेंस है पीओपी में और दूसरा डिफरेंस ये है ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये सेकंड पॉइंट ये तो डिफरेंस अगर आता है वैसे आएगा नहीं लेकिन पता होना चाहिए कि पीओपी में और इंटरनेट प्रोटोकॉल में बहुत सॉरी आई में क्या डिफरेंस है तो इन दोनों का डिफरेंस ही पता होना चाहिए चलिए आगे देखते हैं एस की बात करते हैं अभी ये सबसे कॉमन है आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा भी होगा और ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा भी गया है मोस्ट इम्पॉटेंट क्वेश्चन है एस और एस और बेसिकली अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो अगर मुझे पूछना होगा क्वेश्चन तो मैं एस और एस एस के बीच में डिफ्रेंस पूछूँगा एग्जाम में ठीक है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए प्रोटोकॉल्स हैं एग्ज़ाम में और एक फिफ्टीन मार्क्स का यूनिट फर्स्ट है और आउट ऑफ फिफ्टी का पेपर है फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टीन आउट ऑफ फिफ्टी का ये आपका चैप्टर है यूनिट है नेटवर्किंग और प्रोटोकॉल्स इसका एक लार्ज पार्ट है तो प्रोटोकॉल्स तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आनी है और प्रोटोकॉल्स लिमिटेड है सभी प्रोटोकॉल्स को दिखा जाए तो ओवरऑल टेन प्रोटोकॉल्स हैं और तो उनमें से आई थिंक फाइव मार्क्स का क्वेश्चन तो प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग आना ही आना है, आना है आपको तो uh, थ्री टू फोर प्रोटोकॉल्स पूछी जाएंगी इसमें ये याद रखिएगा किसी की फुल फॉर्म पूछी जाएगी किसी की डेफिनेशन किसी की फंक्शनैलिटी के बारे में पूछा जाएगा ठीक है थीक। तो ये ध्यान रखिएगा चलिए एस की बात करते हैं तो एस क्या है सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखनी है आपको तो एस है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेक्स्ट है एस का काम क्या है किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है एस टी टी पी ऑफर्स ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड विच गवर्न हाउ एनी इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब तो वर्ल्ड वाइड वेब पर कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी तो ये जो रूल्स रूल्स होते हैं ये एस इनको गवर्न करता है एस टी टी पी हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसलिए आपने वेबसाइट जब देखी होगी जब आप ओपन करते हैं तो उस पर लिखा रहता है एस टी टी पी या एस टी टी पी या उसके बाद उसका टोटल यू आर एल लिखा रहता है ठीक है तो एस टी टी पी प्रोवाइड स्टैंडर्ड रूल्स फॉर वेब ब्राउजर एंड सर्वर्स टू कम्युनिकेट तो ये बेसिकली एस टी टी पी रूल्स बताता है जो वेब ब्राउजर और सर्वर पर कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं कि किस तरीके से डेटा या हाइपर टेक्स्ट सेंड किया जाएगा या रिसीव होगा एस टी टी पी इज़ एन एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क प्रोटोकॉल विच इज़ बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द टी सी पी ठीक है तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको एक तो सभी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स ही हैं चाहे एस एम टी पी है चाहे एस टी पी है चाहे वो ई पी है द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा एक पॉइंट तो आपको मिला हुआ कुछ भी प्रोटोकॉल आ जाए इंटरनेट प्रोटोकॉल में तो उस समय आपको ये पॉइंट लिख देना एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर लेयर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल ठीक है चाहे वो बात हो आपकी एस की हो या वो या वो आपका हो एस एम टी पी का हो या का हो, का हो या आई का हो तो आपको ये पॉइंट तो लिखना है कि इट इज अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल एक पॉइंट तो ये हो ही जाता है आपको मिल ही गया बाकी एक पॉइंट आपके फुल फॉर्म का है और एक पॉइंट के अंदर उसकी डेफिनेशन लिखनी है अगर वन मार्क का क्वेश्चन है तो दी थ्री पॉइंट मोर देन सफिशियंट फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको उससे ज़्यादा का आता है टू मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो डायग्राम डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्शन देना वो जरूरी होगा तो आगे देखते हैं एस टी टी पी यूज हाइपर टेक्स स्ट्रक्चर टैक्स विच इस्टेब्लिश द लॉजिकल लिंक बिटवीन द नोट कंटेनिंग द टेक्सट तो ये क्या काम करता है एस टी टी पी एस टी पी यूज हाइपर टेक्स स्ट्रक्चर तो हाइपर टेक्स स्ट्रक्चर का यूज करता है ये ठीक है जिसके थ्रू एक लॉजिकल लिंक क्रिएट किया जाता है उन नोट्स के बीच में जो टेक्स्ट को कंटेन किए रहते हैं लास्ट पॉइंट देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटलेस प्रोटोकॉल तो ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है ये स्टेट टेस्ट प्रोटोकॉल मैंने उसके बारे में बताया था आपको टी सी पी आई पी के बारे में ये भी स्टेटलेस प्रोटोकॉल है एज ईच कमांड इज एग्जीक्यूटेड सेपरेटली विदाउट यूजिंग रेफरेंस टू द प्रीवियस रन कमांड तो इसमें जो कमांड्स होती है उसका पिछली किसी कमांड से कोई मतलब नहीं होता इसलिए इसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोलते हैं प्रोटोकॉल इसमें कमांड्स होती हैं कि, कि किस तरीके से डेटा ट्रांसफर होगा उसके लिए डिफरेंट कमांड्स होती हैं और जितनी भी कमांड्स होती हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होती है इंटरकनेक्टेड नहीं होती इसलिए इसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोला जाता है आगे बात करते हैं एस टी टी पी एस के बारे में एस टी टी पी एस में वर्ड एस एड हो जाता है तो एस का मतलब सिक्योर होता है बाकी इसका काम वही रहता है जो एस टी टी पी का होता है लेकिन सिक्योरिटी इसमें ज़्यादा होती है कम्पेरिजन टू एस टी टी पी इट इज़ हाईली एडवास एंड सिक्योर वर्जन ऑफ एस टी टी पी लिखा भी हुआ है ये एस टी टी पी का हाईली एडवांस और सिक्योर वर्जन है एस टी टी पी के थ्रू डेटा हैक हो सकता है आपका ठीक है लेकिन एस टी टी पी एस के थ्रू नहीं होता तो ये कौन सा पोर्ट यूज़ करेगा पोर्ट नंबर याद रख लीजिएगा पोर्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्ट नंबर फोर फोर्टी थ्री यूज़ करता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए एंड इट अलाउज अ सिक्योर सिक्योर्ड ट्रांजेक्शन वाइज इंक्रिप्टिंग द एंटायर कम्युनिकेशन विद एस एस एल ये एस एस एल क्या है एस एस एल भी एक आपकी प्रोटोकॉल है ठीक है तो इसके थ्रू ये डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है जब डेटा इंक्रिप्ट हो जाएगा अनरीडेबल हो जाएगा तो फिर वो डेटा हैक होगा ही नहीं और हो भी जाएगा तो फिर वो किसी उसको आप उसका कोई सेंस नहीं बैठेगा ठीक है क्योंकि उसको वो आपके लिए सेंसलेस रहेगा एंड इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एस एंड टी एस प्रोटोकॉल विद एस तो एक्चुअली में अगर हम एस के साथ ये एस और एस को अगर हम कम्बाइन कर दें तो ये एस बनता है एस का तो ये कम्बाइंड पूरा आएगा ही आएगा और एस का एस आप जोड़ दें तो इसको ऐसे कहेंगे एस टी टी पी एस ठीक है तो ये कॉम्बिनेशन है दो आपकी आम, प्रोटोकॉल्स का एस एस एल और आपका एस टी टी पी एस का मैं दिखा देता हूँ डायग्राम उसे डायग्राम से क्लियर हो जाएगा एस एस एल की फुल फॉर्म होती है सिक्योर 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 सॉकेट लेयर तो एक भी एक प्रोटोकॉल है तो एक्चुअली एस टी टी पी एस इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं एस टी टी पी अलाउज एस टी टी पी अलाउज़ अस टू क्रिएट अ सिक्योर इंक्रिप्शन कनेक्शन बिटवीन द सर्वर एंड द ब्राउजर तो ब्राउजर और सर्वर के बीच में सिक्योर इंक्रिप्टेड कनेक्शन मेंटेन करता है आपका एच और इसमें बाय डायरेक्शन डेटा सिक्योरिटी रहती है ठीक है दोनों तरफ से चाहे वो डेटा भेजा जाए ब्राउजर से सर्वर के सर्वर से ब्राउज़र की तरफ तो डेटा आपका सिक्योर रहता इसलिए है इसलिए ज़्यादातर बैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं उसमें आपने एच टी पी एस देखा होगा लिखा हुआ आता है तो सिक्योर डेटा रहता है वहाँ और ग्रीन कलर का लॉक होता है इट मीनस दिस तो इज़ टोटली सिक्योर तो ये डायग्राम था एस टी पी के बारे में जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है एस टी टी और एस एस एल का तो इसीलिए इसे एस टी टी पी एस बोला जाता है ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है एस टी टी पी एस के बारे में लिखने के लिए तो अगर आपको डायग्रामेशन देना है तो इस डायग्राम को याद रखिएगा ये इसकी डेफिनेशन है जैसे एस टी टी पी के बारे में लिखा हुआ डिफाइंस हाउ मैसेज आर ट्रांसमिटेड बिटवीन वेस्टर ब्राउजर एंड द वेबसाइट सर्वर तो वा ब्राउजर ब्राउज़र uh, और सर्वर के बीच में वेबसाइट के सर्वर के बीच में डेटा कैसे ट्रांसफर होगा ये एस टी टी पी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्राउजर का मतलब सॉफ्टवेयर से है यहाँ पर जैसे गूगल क्रोम है या मोजिला फायरबॉक्स है जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो उसके थ्रू और वेबसाइट सर्वर जहाँ आपका डेटा आपका टोटल स्टोर होगा वो वेबसाइट सर्वर होगा वेबसाइट से रिलेटेड तो ये आपका एस की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जहाँ तक एस की बात करें तो एस प्रोटेक्ट्स एंड इंक्रिप्ट इन्फॉमेशन सेंट अक्रॉस दिस इंटरनेट तो जब मैसेज सेंड किया जाएगा तो उसे इंक्रिप्ट कर देता है ठीक है अन डिडोल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा बाद में उसे डिस्क्रिप्ट भी किया जाता है ठीक है तो एक अलग चीज़ बात है लेकिन उसमें डेटा सिक्योर रहेगा तो इन दोनों को मिला के एस टी टी पी एस होता है तो एस टी टी पी एस बेसिकली इंक्रिप्ट इन्फॉर्मेशन सेंड बिटवीन द ब्राउजर एंड द सर्वर तो ये बेसिकली इसका काम होता है आज के लिए इतना ही आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रोटोकॉल्स कवर करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो